चैप्टर 3 का आगे का एक्सरसाइज पढ़ेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पिछले क्लास में हम इसके बारे में बात किए थे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने बात किया था। हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इसको हम डील करेंगे, तो डील करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओपन करने के बाद
हम क्या देखेंगे कि वही प्रोग्राम खुल गया जितना मैंने टाइप किया था। उसके बाद हम आगे का टाइप करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम क्लोज बटन दबाएंगे, क्लोज बटन जैसे दबाएंगे प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा फ्रेंड्स डू यू वांट सेव चेंजेस, तो आप वहां पे यस करेंगे। यस करेंगे तो आपने जो कंटेंट लिखा है नया वाला वो सेव हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक गलती भूल रखे हम नहीं करेंगे, नो नहीं करेंगे। अगर नो करेंगे तो पहले वाला कंटेंट तो रह जाएगा, लेकिन आपने जो बाद में कंटेंट दिया वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब आइए सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ चीज पर हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या हम नहीं करेंगे। पहला बात, जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वह पायरेटेड नहीं होना चाहिए, पर्चेजिंग होना चाहिए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पर्चेजिंग किया हुआ है तो आप उसको यूज कीजिएगा, अनवांटेड कोई भी एक्सेसिव फाइल आपको नहीं आएगा आपके कंप्यूटर में, अनवांटेड मैसेज नहीं आएगा, अनवांटेड वायरस आपके परमिशन से नहीं आएगा। बिना आप जब तक आप परमिशन नहीं देंगे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस उसमें इन नहीं करेगा। एक्सटर्नल डिवाइस का मतलब पेन ड्राइव होता है, डीवीडी होता है, और सबसे ज्यादा एक्सटर्नल वायरस को बाहर जाता है वह है इंटरनेट, जिसका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सबसे हमको प्रिवेंट करना है। इस चैप्टर को अब हम लोग जो है इस चैप्टर में आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, सबसे पहले हमारा स्टूडेंट्स क्या है, कीबोर्ड। तो आप एक बात बता सकते हैं, आप मेरी कीज ऑन द कीबोर्ड, कितने कीबोर्ड में कीज होते हैं, कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 104 एंड मोर देन हम लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं, तो ये इसलिए लिखते हैं 104 एंड मोर देन क्योंकि अब बहुत सारे मल्टीपल या कीज में कुछ फंक्शन एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, ऐसे 104 कीज होते हैं। वो सब कीज का अलग अलग इस्तेमाल है कंप्यूटर में, और इस कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को इजीली ऑपरेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो बहुत सारा गेम ही मिलता है आपको खेलने के लिए, तो आपने जाना है कि कभी वो जो गेम मिलता है वो गेम में हमारे हाथ में जो डिवाइस दे रहा है वो डिवाइस को क्या करते हैं, जिससे इजीली वो गेम ऑपरेट होता है और लगता है कि हम उस पार्ट के हिस्से हैं, वो गेम को हम करते हैं स्टूडेंट जॉयस्टिक, जो हम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है आज के डेट में। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, आसानी से गेम को प्ले कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा छोटा सा क्लास था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, ये चैप्टर 2 फिनिश हो गया। आप लोग एक काम करेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने जो भी चीज पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कर लेंगे। एक छोटा सा टेस्ट अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक्स।